जगदलपुर जिला में एक ओर जहां आईपीएस सचिन शर्मा की वजह से जिले में पुलिस की बेहतर छवि बन रही है, लेकिन इसी बीच थाना कोतवाली में पदस्थ आरक्षक शुभम कुमार सोनी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरक्षक पर आरोप है कि उसने फरियादी शिवम रैकवार को जबरन रास्ते में रोका और जबरन अपनी गाड़ी पर बैठाया और थाने ना ले जाकर कोतवाली के पीछे ले गया, जहां वह फरियादी से पैसों की मांग करने लगा। इस बीच फरियादी की मां थाने पहुंची और वहां बेटे को ना पाकर रोने लगी। इसी बीच आरोपी आरक्षक ने बेटे को छोड़ दिया। मामला फरियादी शिवम रैकवार एवं उसकी बूढ़ी मां को लेकर है। एसपी ऑफिस पहुंची और वहां शिकायती आवेदन देते हुए आरक्षक पर कार्यवाही की मांग की है। हम भाई सब घर से खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद एक लड़का पहुंचा मोहल्ला बगल का, तो बोले अम्मा उधर चलो और तुम्हारा सेवन को उसको पकड़ लिया सेवन पुलिस वाले ने, तो हमारी तबीयत घबराने लग रही है, भाजी टूट पड़ रखी थी तो हमने सुपर टूट के अलग रखा। हम उनके बस में गाड़ी में आए, बस मोदी की दुकान पर है जो देरी सड़क पर, तो हम उधर पे गए, उधर बस से प्रेम सोनी बैठा था, वो पुलिस वाला आते था और जिससे हम भी हाथे थे, तो मोदी बोली कि जाओ अम्मा कुछ नहीं होगा यार, बस कुछ भी नहीं होगा, जाओ चले जाओ। तो उधर से गए, सो थोड़ी देर में कोतवाली पर, कोतवाली गए, सो ये हाथे थे बोली कौन खा बुलाओ आप, तो हमने फिर से उधर पे गए, फिर बोली कि जाओ अब कछु भी नहीं, अब थोड़ी देर में कहा पता हम घर पर गई है जी, वो जो अमन फिर से पहुँच गया, तो बोली अम्मा और तो मैं एस पी ऑफिस चल रहे हैं, सेवन की मतलब वो हो रही हैगी, तो हमने कि भैया चलो अभी नाती नाता स्कूल से आएंगे, तो हमने कि बेटा तुम अभी इधर रहना, हम चाचा को देख आए पहले हम, बस वो कुछ बात नहीं है। अब घर में दो एक प्लस वाला है तो वो जाने काहे के लिए रोज आता है, दो तीन चार बार रस्ता में भी छेड़ता है हमारे लड़के को, अब सेवन सोनी है तो प्लस वाला तो वो परेशान करता है, तो हम लोग भाई साहब इतने हम गरीब आदमी है कि हम देखो नहीं जानते, हमारा आदमी अभी दो साल हुआ नहीं है, तो हम तो उसे भटके फिर रहे कि हमारे सार के लिए कोई नहीं है, तो हमारे ससुर भी हमें बहुत परेशान कर, सर बेचने लग पा रही हमारी बड़ी मंझली लड़का की, तो हम उन्हें दो दो तीन दिन भाई तक खाना नहीं खा पा रहे, हमें नहीं नहीं में कर्जा भी दी रहती, तो हम लोगों को काय को परेशान कर दी, बताओ आप कहाँ पर आई आपसे हमें तो यह भी लड़का हमारा बोला बगल वाला अम्मा हो तुम तो चलो एस पी ऑफिस पे हाथी थी कलर टेन में चैन में ना दी थी सर, आपका लड़का कहाँ काम करता है अभी, तहसील ऑफिस में है वो, सरकारी नौकरी में थे हाँ सरकारी ऑफिस में आती थी, अभी पेंशन भर लगी अभी पैसा ऐसा मिले, वो मैंने लड़का को नौकरी दी थी तो अभी उनका भी आर्डर नहीं आया। जी भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मैं शिवम रैकवार समनिया मोहल्ला का रहने वाला निवासी हूँ। क्या करते हैं? मैं सर भैया संग काम करता हूँ, सर में रजिस्ट्री का काम करते हैं। क्या हुआ सर? मैं स्कूल से आ रहा था, शिवम सोनी सपाही है, उसने मुझे मेलन पर रोक लिया है, रोक लिया था, सो मुझे कोतवाली के पीछे ले गया, मैंने मोबाइल ले लिया और मुझसे पैसे की मांग करने लगा कि मुझे 20,000 रुपया दो वरना हम तुम्हें पट्टी पट्टा मारेंगे, सो आप सब बवाल दोगे। किस बात की पैसे मांग रहे? क्या पता सर, कुछ जानकारी नहीं है सर इस बात की। और क्या किया? बस सर जी और मोबाइल ले लिया, मोबाइल नहीं दे रहा, बोला मोबाइल देंगे तो 20,000 रुपये जाएगी पहले। मोबाइल कहाँ है आपका? उसी के पास है। उसके बाद क्या किया आपने? बस सर उसके बाद फिर एस पी ऑफिस में शिकायत करने आया सर कि मेरा मोबाइल दिया जाए और मुझे बिना वजह का परेशान ना किया जाए।